जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। नाम के आगे बाबा लिखा है, भगवा वस्त्र पहने हैं, योग और आयुर्वेद को घर घर पहुंचाया है, विदेशी कंपनियों के धंधे पर चोट की है, मिडल माफिया से टकराने के साथ ही जन जागरण का काम भी किया है और बस यही गलती की है स्वामी जी। कल्पना कीजिए कि भारत में धर्ममय व्यवस्था होती, तब ऋषि राम जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रसंगवश पहुंचते तो क्या होता। उनके आने का समाचार सुन वहां वैदिक मंत्रों के साथ स्वस्ति वाचन हो रहा हो। पहुंचते ही सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश अपनी आसदी से उठ खड़े होते और उनका अभिवादन करते, फिर उनसे विनम्रता पूर्वक सभागार में विमर्श करते और यह लक्ष्य करते कि आपका काम मानवता के लिए बहुत ही उपकारक है और करोड़ों लोगों के लिए अनुग्रह कारक भी है। कोरोना जैसी महामारी में करोड़ों लोगों की प्राण की रक्षा आपकी औषधियों ने की है और वह भी बिना विश्व वर्धित एलोपैथिक प्रणाली यानी कि रोगाणु केंद्रक प्रणाली की शरण में गए हुए विश्वस्त हो गए हैं और जो उनके दीर्घकालिक जीवन के लिए सब प्रकार से कल्याणकारी भी है। और इस प्रकार प्रजापालक प्रधानमंत्री के साथ ही आप जैसे ऋषि लोगों का होना भारत के लिए गर्व की बात है, एक अभिमान की बात है। इसके बाद वे ये कह सकते थे कि अभी यूरो अमेरिकी विधि व्यवस्था और पदावली का बहुत प्रभाव है और भारत वर्तमान में उससे बंधा हुआ है और इसलिए एलोपैथी लोग अपनी पद्धति से बाहर की चिकित्सा को प्रामाणिक नहीं मानते। अतः लोकोपकार के जो भी काम आपने किए हैं उनकी प्रस्तुति तकनीकी ढंग से थोड़ी भिन्न पदावली में की जाती तो थोड़ा अच्छा रह जाता। आपके मानव कल्याणकारी कार्यों की पूरी प्रशंसा करते हुए हम यह विनम्र सुझाव देंगे कि औषधियों के विज्ञापन की पदावली में तकनीकी ढंग से शब्द थोड़े बदल दिए जाएं, बस यही होता। इसके स्थान पर एक लोक कल्याणकारी सर्वोपकारक ऐसे ऋषि को एक सामान्य अभियुक्त की तरह वहां खड़ा होना पड़ा जो न्याय दर्शन शास्त्र ज्ञान व्याकरण भाषा परंपरा का ज्ञान सभी में पीठासीन अधिकारियों से कई गुना अधिक उच्च स्तर के हैं। और इसी से उस विडंबना का पता चलता है कि भारत की राज्य व्यवस्था के तीनों ही वर्तमान अंग रुग्ण और विकृत हैं और उनकी स्वस्थ संरचना की प्रतिष्ठापना कितनी आवश्यक है। ऐसा मैंने पर्टिकुलरली लिखा नहीं है, ये लिखा हुआ है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज का, जो स्वयं एक ऋषि हैं और जिनके बहुत सारे कार्यक्रम आपने जम्बू टॉक्स में अवश्य देखे होंगे। एक एक अक्षर में एक बहुत प्रामाणिक बात आती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक्चुअली बात ऐसी ही है? अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में जिस भारत में हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू पार्टी नहीं है, इतना अवश्य है। इस सिंबोलिज्म के तौर पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं, हिंदू धर्म के प्रसंगों को, हिंदू धर्म के सिंबल्स को, प्रतीकों को यहाँ थोड़ा स्थान मिलने लगा है। उसी कारण से हम लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं जो शासन वर्तमान में है, उसी कारण से, उसी इंटरनेट के कारण से आज मजहब और रिलीजन की कलाई जो है वो संसार के सामने खुल रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ है और हम एक भव्यता और दिव्यता के साथ में विश्व में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी शक्ति का परिचय विश्व को हो रहा है। लेकिन अभी बहुत काम होना बाकी है और ऋषि रामदेव जी के साथ में, स्वामी रामदेव जी के साथ में जो हुआ ये दर्शाता है कि अभी हम उस स्तर तक तो छोड़िए, धरातल पर भी ठीक तरीके से नहीं पहुंचे, वरना बाबा रामदेव को इस तरीके से उस सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना नहीं पड़ता। आपके क्या बात है, आपकी क्या टिप्पणियां हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस तरीके के विषयों को, ऐसे लोगों के वक्तव्यों को आप तक पहुंचाने का काम अपनी वाणी में जम्बू टॉक्स लगातार करता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, इतना करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, सभी को प्रणाम।